السلام عليكم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے ساتھیو بزرگو بھائیو اج دے ماہ رمضان دے دوسرے خطبہ جمعہ دے اندر قرآن پاک دے وچوں ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے اللہ مالک اگے دعا گئے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تسانوں اللہ پاک سبھنوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اج میرا دل چاہندا ہے تواڈے سامنے انہاں لوگاں دا تذکرہ کرم جنہاں نوں اللہ پاک قیامت والے دن
अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमान गए। दुआ करो अल्लाह सानू सारियां नू उन्हां दे अंदर शामिल फरमा ले। डे ऑफ जजमेंट कयामत और आहरत ये उस दिन दे वाले इशारे ने जिहड़ा दिन अनकरीब बरपा होने वाला है। और दुनिया की कोई एहोजा मतलब नहीं, कोई एहोजी समावी किताब नहीं जिन्हें कयामत के बारे ना दसिया हो। कोई एहोजा नबी नहीं गुजरिया जिन्हें अपने मनन वालों कयामत के बारे आगाह ना किया हो, इनकी याद दहानी ना कराई हो। और इनू मद्देनजर रख के जिंदगी गुजारन की तलकीन ना की हो। आखिर दिन की है, सब तो पहले ये बात जान लो अल्लाह ने जो भी कुछ बनाया है ना उनकी एक मुद्दत उनकी एक म्याद अल्लाह पाक ने मुकर्रर कर दी थी। अल्लाह अकबर अल्लाह। कुरान भी कहता है वाली कुल्ली उम्मतिन अजल। अल्लाह फरमाते ने असी हर शह की एक मुद्दत से म्याद बना दी थी। हर शह की म्याद जदों म्याद खत्म हो जाती है उदो अल्लाह पाक इस चीज़ को खत्म फरमा देते हैं। जदों जरूरत मुक जाए ने अल्लाह इस चीज़ को हम खत्म फरमा देते हैं। इस तरह अल्लाह पाक ने अनदामे कायनात बनाया, तरह तरह दिया मखलूकात पैदा फरमाइया ने, जमीन आसमान को अल्लाह ने मुदय्यन फरमा दिता है एक मुकर्रा मुद्दत वास्ते। जदों अल्लाह की मुद्दत पूरी हो जाएगी अल्लाह सब कुछ खत्म फरमा देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। सितारे टूट के जमीन नल आ मिलनगे और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। आसमान फट जाएगा, आसमान एंज हो जाएगा जिमें तेल का चिलचट हों। अल्लाह अकबर अल्लाह। बेनूर सूरज हो जाएगा। और अल्लाह का कुरान कहता है कि बच्चे बुढ़े हो जाएंगे, हामला औरतों के हमल जाया हो जाएंगे। इनिया शक्तियां अल्लाह ने जो कयामत को बर्पा करना है ना, पहले सब कुछ होएगा, सितारे जमीन नाल टकराएंगे और जमीन के उत्ते जलजले पहुंचाल आ जाएंगे। अल्लाह पाक सब कुछ खत्म फरमा देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर 40 दी मुद्दत तक ये एवें ही रहेगा। एक सियाबी कहता सोने 40 दिन, आप फरमाते ने मेरे अल्लाह को पता है। सियाबी कहता 40 महीने, आप फरमाते ने अल्लाह को पता है। सियाबी कहता 40 साल, आप फरमाते ने मैनू मुहम्मद नू कुछ नहीं पता, मेरे अल्लाह नू ही सारा पता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह सब कुछ बनाएंगे, जमीन तांबे दी होएगी, सूरज जिहड़ा करोड़ा मील दूर है अज उहदी गर्मी बर्दाश्त नहीं होंदी। सरकार फरमाते ने तुदनी शमसु यौमल कियामा मिनल हल्की हत्ता तकूना का मिकदारी मील। अल्लाह इनू चौके ले आके ते बंदियां दे सिर ते खड़ा कर देंगे। जिवें एक मील का पैंडा होंदा है ना, एवें सूरज कड़ा होएगा, जमीन तांबे दी, इधर जहन्नम आ जाएगी। 70,000 लगाम, सही मुस्लिम दी रवायत, आप फरमाते ने जहन्नम नू मारी जाएगी और एक एक लगाम दे नाल 70,000 फरीता होएगा। पर इंज लगेगा जहन्नम फरीतियां कोल बेकाबू होके ते अल्लाह दे बंदियां दे गल पै गई। एक सूरज की गर्मी, एक जहन्नम की गर्मी, दोवें गर्मियां मिल जाएगियां। और नबी पाक फरमाते ने लोगों नू पसीने आए होणगे, फयकूनुन नासू अला कदरी आमालिहिम फिल अराकी। आप फरमाते ने जे हो जा अमाल होणगे उन्हां को पसीना आया होएगा, जे थोड़े अमाल होणगे पसीना ज्यादा होएगा, जे अमाल ज्यादा होणगे पसीना थोड़ा होएगा। आप फरमाते ने कईयां नू पिंडलियां तक पसीना होएगा, कईयां नू घुटनियां तक और कईयां नू आप पहलू तक
और सरकार फरमाते ने कई एहो जहा हो गए जिहड़े पसीने चो गोते खा रहे हो गए। मालूम होंदा पसीना बहेगा नहीं, आसे पासे जमा होना शुरू हो जाएगा। बड़ी घबराहट वाला दिन, बड़ी परेशानी वाला दिन, बड़ी दहशत वाला दिन, लोगों के कलेजे मूह नू आ रहे होंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह, अंबिया नू भी ना नफसा नफसी पई होएगी और चटियल मैदान होएगा, कोई साया नहीं होएगा, एक ही साया होएगा तो मेरे अल्लाह दे अर्श का साया होएगा। दुआ करो अल्लाह किस्मत के अंदर फरमा दे। और खुश किस्मत ने पागा वाले ने मुकद्दरा वाले ने जिन्होंने अर्श का साया लभना। अल्लाह अकबर अल्लाह, मेरे तुहाड़े पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमान लगे। अहादीस तो बहुत ज्यादा ने पर मैं जानम तुहाड़े सामने उही हदीसा बयान करम जड़िया सही मुस्तनद साबित ने, सही सनद नाल साबित ने। दुआ करो अल्लाह पाक दीन दे विच को अदीन दे विच उही बात करन दी तौफीक अता फरमाए जड़ी हक ते सच होवे। आओ नबी पाक दी जबान कौन फरमा रहे ने, जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते ने साबा दुनिया दे लोगों लागु फी जिंदगी, लोगो सुन लो कयामत दा दिन होएगा, बड़िया गोलाकियां वाला दिन, बड़िया तकलीफा वाला दिन। अल्लाह दे नबी फरमाते ने चटियल मैदान होएगा, खुला मैदान होएगा। आप फरमाते ने सूरज सिर ते खड़ा होएगा, जमीन तंब दी बनी होएगी, ते लोग इंज पुजदे पे होणगे जिवें दाने कढ़ाई दे अंदर पुजदे पे ने, पुज रहे होणगे। ते नबी पाक फरमाते ने सत किस्म दे बंदे आगो जागो होणगे जिन्हां नूं अल्लाह पाक अपने अर्श दा साया नसीब कर देणगे। आप फरमाते ने साबा तुम يَذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ذِلِّهِمْ يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلُّهُمْ। आप फरमाते ने सात किस्म दे लोग अर्श दे साए थले आणगे, जिथे गर्मी नहीं होएगी, जिथे कयामत दी हौल लागियां नहीं होणगियां, दहशतां नहीं होणगियां, बल्कि जन्नत वालों छंडियां हवावां रहियां होणगियां। अपने थले अर्श दे साए थले जिहड़े लोग आणगे उहनां नूं सुकून ते ताजगी फराहम कर रहियां होणगियां। सत किस्म दे लोग नबी पाक फरमाते ने इमाम आदिल, पहला बंदा ओम आदिल इमाम, आदल करने वाला, इंसाफ करने वाला, जिन्हों अल्लाह पाक ने दसा बंदियां उत्ते सुल्तान दिता, दसा बंदियां उत्ते हुक्मरान बनाया, ए दसा बंदियां चो इंसाफ करता कल अल्लाह अर्श दा साया नसीब कर देंगे। इंसाफ बड़ी चीज है, नबी पाक ने इंसाफ की तरकीब दी। आप अलैहिस्सलाम ने इंसाफ करन दा हुक्म दिता, इंसाफ करना बड़ा औखा पर जेड़ा बंदा इंसाफ करता है। आप फरमांदे ने इमाम आदिल, अल्लाह पाक कयामत नू अर्श दा ठंडा साया नसीब कर देंगे। इंसाफ तो इंसाफ है, थोड़ी आवाज खोल दो, इंसाफ तो इंसाफ, क्यों जी इंसाफ जो तो डंडी नहीं ना मारी जा सकती, जरा डंडी मार दो मुजरम है। इंसाफ करया कर, चाहे तेरा अपना नुकसान हो जाए इंसाफ कर, चाहे रिश्तेदार नदार हुंदा नाराज हो जाए इंसाफ कर, सहाबा इंसाफ कर दे, मेरे तेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी भी इंसाफ कर दे। कबीला बनू गुआदम, इन्हां दी औरत कबीला बनू मखदूम, इन्हां दी औरत चोरी कीती,
मेरे नबी कुल के सागयाम आप दा प्यारा से हबीब हजरत उसामा सिफारिश लेके आ गए महबूबा मैं तुहाडा सामा सिफारिश करना वा महबूबा इनू माफ कर दियो आप प्रमंद ने उसामा सुन ले पहले लोकी इस करके हलाक हो गए जदों कोई वड्डा बंदा जुर्म करदा उनू माफ कर दिता जांदा ते निक्कियां नू सजावां दित्तियां जांदियां आज साडा माशरा इहो जिहा नहीं इन्हां अरबां दियां चोरियां कीतियां ने उन्हां नू बाइज्जत तरीके नाल पेश कीता जा रहा इन्हें कुछ कीता ही नहीं उन्हूं मार मार के लहू लुहान कीता जा रहा साडा मुआशरा और याद रखिया जे मुआशरे इंसाफ नाल चलिया करदे ने दुनिया के उत्ते कौमां इज्जत की निगाह नाल वेखियां जांदियां जिन्हां दे अंदर इंसाफ होवे जिन्हां दे अंदर इंसाफ का तकड़ी इको होवे इंसाफ का तराजू इको होवे पर साडा तां मीरां वास्ते कानून हो रहे माड़ियां वास्ते कानून हो रहे दुआ करो अल्लाह इंसाफ नूं साडे मुल्क दे अंदर आम फरमा दे इंसाफ जिथे होए अल्लाह की रहमत हुंदी है इंसाफ जिथे होए अल्लाह की कसम उस जमीन के टुकड़े के उत्ते अल्लाह पाक रहमत ते बरकत दे नज़ूल फरमा देंदे और जिहड़े इंसाफ करते ने इस्लाम इन्हां नूं बड़ा जनाब अहमियत ते प्रोटोकॉल देंदा नबी पाक फरमाते ने इन्नल मुक्सितीना इन्नल मुक्सितीना عند الله على منابر من نور نبی پاک فرماندے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انصاف کرن والیاں نوں اپنی سجی سائڈ دے اُتے نور دے ممبراں دے اُتے بٹھا دین گے نور دے ممبر لگے اللہ دے دوویں ہاتھی سجے نے नूर दे मेंबर लगे ने ते इत्थे ओ बैठ के जिन्हां दुनिया ते इंसाफ कीता होएगा अल्लाह दे नबी फरमांदे ने अल्लज़ीना यादलूना फी हुक्मिहिम जिहड़े लोग अपने मुआमलात दे अंदर अपने फैसलियां दे अंदर अल्लज़ीना यादलूना फी हुक्मिहिम अपने फैसलियां दे अंदर इंसाफ करन वाले आप फरमांदे ने नबी पाक दे अल्फाज व अखलीहिम ते अपने घर वालियां चो इंसाफ करन वाले अपनी औलाद दे विच भी इंसाफ कीता जे बाहर अल्लाह ने हुकूमतां दित्तियां ने ते बाहर भी इंसाफ कीता अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जिहड़े मुतैत ने उहनां नाल भी इंसाफ कीता सोनिया इन्हां नूं मिलेगा की आप फरमांदे ने अल्लाह कयामत नूं नूर दे मिंबर अता फरमा देणगे अरश दे साए तले मिंबर लगे होणगे लोग पुछणगे कौन ने जवाब मिलेगा ये ओ लोग ने जिहड़े दुनिया ते इंसाफ करदे चण जिन्हां दुनिया ते अपनी तकड़ी नूं पुट्ठा नहीं होण दित्ता इंसाफ दी तकड़ी नूं डिगण नहीं दित्ता इंसाफ कीता है अल्लाह पाक ने इनाम कीता कि अरश दे साए नसीब कर दित्ते ने जे अगर डंडी मारी होएगी जे अगर कजी इख्तियार कीती होएगी पैसे लैके फैसला गलत कीता होएगा रिश्तेदारी नूं वेख के फैसला गलत कीता होएगा ओए वीरा ना करिया कर जे अल्लाह ने तेनू मुनसब बनाया है जे अल्लाह पाक ने तेनू बचैत वाला बनाया है ते डंडी ना मारिया कर कजी ना इख्तियार करिया कर आ नबी पाक दा फरमान सुन ले आप फरमांदे ने मामिन अमीरिन आशारतिन जड़े बंदे नूं अल्लाह पाक ने दसां बंदियां उत्ते अमीर बना दिता अल्लाह पाक ने दसां बंदियां उत्ते नूं हकूमतां दित्तियां इल्ला योता भी यौमल कयामा इहनूं कयामत वाले दिन अल्लाह पाक दे दरबार दे अंदर लियाता जाएगा या तागुइला उनकी
इन्दे हाथां नूं अज करके गर्दन दे नाल बनिया होया होएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह आप फरमांदे ने अतला का कुल हक। अगर इन्हें इंसाफ कीता होएगा इन्दे हाथां नूं खोल दिता जाएगा। आओ आओ बाका गूम अगर ना इंसाफियां कीतियां होणगियां एवें हाथ बन के ते जहन्नम दे अंदर धक्का मार दिता जाएगा। ऐथे डंडी मार लवेगा पर कयामत नहीं बच सकदा। ऐथे सारा कुछ तेरे मुतहत कयामत नूं तू अल्लाह दे मुतहत होएगा। ऐथे तेरी उंगली दे इशारे ते सारा कुछ हो जांदा है। कयामत नूं मेरे अल्लाह दियां हुकूमतां होणगियां। सिफारशी भी कोई नहीं होएगा उते लग पते जाणगे खुल अखा जाणगियां। अद नबी पाक फरमांदे ने इमाम आदिल पहला बंदा हूं इंसाफ करन वाला इमाम इंसाफ करन वाला। अपनी रियाया दे अंदर इंसाफ कीता तू अपने घर वालिया दे अंदर इंसाफ कीता तू अपने तियां पुत्रां दे अंदर इंसाफ कीता तू। अल्लाह को अकबर अल्लाह। ते दूसरा बंदा होए नबी पाक फरमांदे ने शाबुन नाशाफी बादत इल्लाम जिन्हें अपनी जवानी अल्लाह दे राह दे अंदर गुजार दीती जिन्हें अपनी जवानी अल्लाह पाक दियां इबादतां करदियां गुजार दीती अल्लाह अर्श दा साया नसीब कर देणगे। जवानी उम्र दा ओ हिस्सा हुंदा जदों बंदे नूं कुछ पता नहीं हुंदा। जवानी बड़ी मस्तानी हुंदी है पर जिन्हें जवानी अल्लाह नूं दित्ती होंदे क्या कहने। अरबी दा मकूल है अशाबु शोबतु मिनल जुनून जवानी ए बड़ी दीवानी। अल्लाह को अकबर अल्लाह। पर उन्दे क्या कहने जिन्हें जवानी अल्लाह नूं दित्ती। अल्लाह पाक ने अपने कुरान दे अंदर सत्ता बंदियां दा तज़किरा कीता जिन्हां अपनी जवानी अल्लाह पाक नूं दे छड्डी ना अपने अल्लाह दे नाल अपनी जवानी दे सौदे कर लैन। अल्लाह पाक ने इन्हां दे वाक्य नूं सूरह काफ दे अंदर चमका दिता है। अल्लाह पाक ने मेरे महबूब उत्ते सूरह काफ नाज़िल करके ते क़यामत तक इन्हां दे कारनामे नूं जिंदा फरमा दिता है। बल्कि नबी पाक ने फरमाया हर जुमे सूरा का पढ़िया करो ना। आप फरमांदे ने हर जुमे सूरा काफ दियां तलावतां करिया करो अगले जुमे तक तुहाडे वास्ते नूर ही नूर होएगा। मैनूं तां इंज लगदा है अल्लाह पाक हर जुमे अपने ना यारां दे तज़किरे जिंदा करदे ने। हर जुमे अल्लाह पाक इन्हां दी याद नूं जिंदा करदे ने। ओए वेखो वेखो मेरे साहबे काफ ने मैनूं जवानी दिती मैनू विच कारानी उम्र दिती मैनू दरमियानी उम्र दिती। अल्लाह कहिंदे ने इन्हां दी उम्र भी दरमियानी मैं इन्हां दा तज़किरा भी कुरान दे दरमियान दे अंदर फरमा दिता है। जिथे कुरान अद्धा हुंदा है ना उत्थे जाके अल्लाह ने इन्हां दा तज़किरा कीता। अल्लाह दसणा ही चाहुंदे ने इन्हां विच कारानी उम्र मैनू दिती मैं कुरान दे विच कार इन्हां दा तज़किरा फरमा दिता। मेरे वीर जवानी बड़ी मस्तानी पर उन्दे क्या कहने। अल्लदी अपना शाबहू अल्लदी अपना शबाबहू फी इबादतिल्लाह ओ बंदा जिन्हें अपनी जवानी चौंचलियां दे अंदर नहीं गुआई जिन्हें अपनी जवानी अल्लाह दियां ना फरमानियां करदियां नहीं गुजारी जिन्हें अपनी जवानी अल्लाह दियां हद्दां नूं तोड़दियां नहीं गुजारी बल्कि अल्लाह दियां इबादतां करदियां गुजार दित्ती अल्लाह अर्श दा साया नसीब कर देणगे। अर्श दा साया और जवानी उम्र दा बड़ा कीमती हिस्सा है। नबी पाक फरमांदे ने कयामत नूं अल्लाह ने पांच चीज़ां दा सवाल करना है जिंदे चो जवानी दा सब तो अलहदा सवाल करना है। अन शबाबी ही फीमा अफना एक तो सवाल होना ना अन उमरी ही उम्र कितने गवाई हूँ वो तो अल्लाह ने ये भी पूछना है कि जवानी कितने लगा के आ गई। दुआ करो अल्लाह इबादत दी तो भी गता फरमाए।
ते जवानी चो ही बात करने दर जवानी तौबा कर दन सेवा ए पैगंबरी ए नबियां दी सुन्नत ते दुआ करो अल्लाह सुन्नत नु जिंदा करन दी तौफीक अता फरमाए। जिन्हें जवानी अल्लाह नु दित्ती ना अल्लाह दे नबी फरमांदे ने शाबुन न चापी बादत इल्लाम ओ बंदा जेड़ा अल्लाह दी अल्लाह पाक ने जवानी दित्ती अल्लाह दे राह चो जवानी अल्लाह दे राह दे अंदर गुजार दित्ती अल्लाह को अकबर अल्लाह तीसरा बंदा रजुल कलबू मुअल्लकुन फिल मसाजिदी बंदे दा दिल बड़ा अजीब किसे दा दिल चंगे कमा चो लगता है किसे दा दिल मंदे कमा चो लगता है किसे दा दिल दुकानदारी चो लगता है किसे दा दिल नेकी दे कमा चो लगता है किसे दा दिल गंदे कमा चो लगता है पर उंदे वर्गा बंदा कौन हो सकता है जिंदा दिल भी लगता है अल्लाह दे घर दे विच लगता है जिंदा दिल लगता है ते मस्जिद चो लगता है जिनू लभिए ते मस्जिद दे विचों लभदा है ऐदरों फुरसत मिलती है ते दौड़ के अल्लाह दे घर चो आके बह जांदा है वेलां लभदियां ने कहिंदा दुनियादारी दा की है चलो अल्लाह दे घर चो चलिए मस्जिद दी अगोश चो आके बह जांदा आप फरमांदे ने ए बंदा जदों कयामत नूं अल्लाह दे दरबार चो पेश कीता जाएगा आप फरमांदे ने अल्लाह पाक इहनूं ही अपने अरश दा साया नसीब कर देणगे ए बंदा जिंदा दिल मस्जिद चो लगदा या इंज समझ लै एक नमाज पढ़ीए दूसरी दी फिक्र लगीए इहदा सारा जमीन गुम हत्ता याऊदा इलेगी इंदा दिल करता मैं मस्जिद दा मस्जिद दे विच ही बैठा रवां मैं मस्जिद दा नमाजी बन के बैठा रवां अदान हुंदी है तौड़ के मस्जिद दे अंदर आ जांदा है ऐदरों अदान हुंदी है सीधा मस्जिद दे अंदर आके ब्रेकां लांदा है अल्लाह फरमांदे ने मैं कल इस बंदे नूं कयामत वाले दिन अर्श दा साया नसीब कर देवांगा हजरत मुशब बयान करते ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह को ताला अनुकुम जिंदगी दियां सावां टुटदियां पईयां ने करीब फौत हो जान अदर मुअज्जिन ने अज़ान कह दीती अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर दा आखरी वक्त ते अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अज़ान सुनी कन मस्जिद वल्ले ला दित्ता ना अपने मनन वालियां नूं कहंदे ने मैनू चा के मस्जिद दे अंदर ले जाऊं अल्लाह को अकबर अल्लाह लोग कहंदे ने हजरत जी तुसी बीमार जे जख्मी जे तुसी किवें मस्जिद दे अंदर जा सकते जे कहंदे ने ओ सब तो वड्डे दा बुलावा आ गया है अब्दुल्ला नहीं रुक सकदा हजरत अब्दुल्ला नु एवें मस्जिद दे अंदर ले जाया गया ना अब्दुल्ला ने बा जमात नमाज पढ़ी एक रकत पढ़ी दूसरी रकत पढ़न लगे अल्लाह नु प्यारे हो गए आ मेरे अब्दुल्ला जज्बा कितने मैनू नजर आ रहे ने इमाम बगवी रहमहुल्लाह तआला बयान करते ने हजरत उबैदुल्लाह बिन कवारीरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते ने कहंदे ने एक दिन मेरे को रात नु मेहमान आ गए इशा दी नमाज दा टाइम है मेरे को परौने आ गए मैं नबी पाक दी हदीस दे मुताबिक मन काना यूमिनु बिललाही वल यौमिल आखिर फल युकरिम ज़ईफहु नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह ते कयामत दे दिन ते ईमान रखदा है ओनू चाहिदा मेहमान दी मेहमान नवाजी करे कहंदे ने मैं मेहमान दी मेहमान नवाजी करन दे विच लग गया अल्लाह को अकबर अल्लाह मेरी शादी नमाज गुजर गई मैं बाप तो बड़ा परेशान होया ना मैं सोचया बसरा दे मजाफा चो निकल जाना कोई मैनू मस्जिद लभ जाएगी जिथे जाके बाद जमात नमाज अदा कर लवांगा अबैदुल्लाह बिन कवारीरी बयान करते ने उबैदुल्लाह कवारीरी बयान करते ने मैं बसरा दिया एन करके बस्तियां दे अंदर गया पर सारिया मस्जिदां दे अंदर नमाज़ां हो चुकिया ने मैनू नबी पाक दी हदीस याद आ गई जेड़ा बंदा बा जमात नमाज पढ़ता है ओनू आम बंदे नाल अल्लाह 27 गुणा ज्यादा सवाब अता कर दिंदे ने कहंदे ने मैं घर आ गया मैं इशा दी नमाज 27 वार अदा कीती
किन्नी बार 27 बार इशा दी नमाज पढ़ी, 27 बार मैं इशा दे फराइज़ नूं अदा कीता। कहंदे ने मैं सो गया, ख्वाब दे अंदर मैं वेखदा की आं, एक घोड़िया दा मैदान जिंदे अंदर घोड़े खड़े होए ने, एन करके रेस लगन वाली है, घोड़िया दी दौड़ लगन वाली है। मैनू एक घोड़े दे उत्ते बिठा दिता गया, मैं इधर वेखना लोग भी घोड़िया ते बैठे ने, ते इधर रेस दा आगाज हो गया, घोड़सवारी दा आगाज हो गया। एन करके घोड़े दौड़न लग पे, मम्मी अपना घोड़ा दौड़ा दिता। हजरत उबैदुल्ला कुवारी री कहंदे ने मैं वेखना वा सारे घोड़े मेरे तो अगे लंघ, ते मेरा घोड़ा पिछे रह गया। सारे घोड़े अगे लंघ, मेरा घोड़ा पिछे रह गया। मैं बड़िया एड़िया मारदा पिया वा, अपने घोड़े नू बड़े छांटे मारदा पिया वा, ओए दौड़ दौड़दा क्यों नी। मैनू एक बंदा कहंदा ओए उबैदुल्ला खापना खापना, तू साढ़े तो अगे नहीं जा सकदा। मैं पूछया क्यों नहीं जा सकदा, कहंदा ओए उबैदुल्ला असी शादी नमाज जमात नाल पढ़ीए, तू बगैर जमात तो पढ़ीए, असी मस्जिद चो जा के पढ़ीए, तू अपने घर चो पढ़ीए। और कितने मैनू सईद बिन मुसैयब याद आ गए, कहंदे ने 50 साल हो गए ने, कदी मेरी नमाज तकबीरे उल्ला तो रही कोई नहीं। 50 साल हो गए ने मैं पहली सब चो कड़िया के तकबीरे उल्ला दे नाल नमाज पढ़दा, अल्लाह को अकबर अल्लाह। आओ लोग ने जड़ा अर्श दा साया लै जाणगे, वाडा जुड़ू नगवारा जुड़ू कलबू मुअल्लकुन फिल मसाजिदी। आप फरमाते ने ओ बंदे जिन्हां दा मस्जिद नाल प्यार, क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक इन्हां नूं अर्श दा ठंडा साया नसीब कर देंगे। अगले किहड़े बंदे ने राजू लानी तहाबा फिल्लाम, ओ बंदे जिहड़े अल्लाह दी खातर एक दूसरे नाल प्यार करदे ने। इज्तमा लईगी व तफर्रका लईगी, कोई दुनिया दा मकसद नहीं, कोई दुनिया दा लालच नहीं, कोई मतलब नहीं, अल्लाह दी खातर प्यार करन वाले अर्श दे साए थले होणगे। साडा तां जदों तकर मतलब चलदा रिश्ता चलदा, ये ते मतलब खत्म रिश्ता भी खत्म। दुआ करो अल्लाह बेलोस हो के रिश्ते ने बहन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी फरमांदे ने वराजुलान तहाबा फिल्लाम, अल्लाह दी खातर एक दूजे नाल प्यार करन वाले, ते वीरा जड़ी यारी चो लाल चो वे अल्लाह दी कसम कदी तोड़ नहीं चढ़दी। और जिस लाली जिस यारी विच लालच होवे ते कदियों तोड़नी चढ़दी, ओए चादर लीरो लीरी मुहम्मद ते कंडियां विच जा अड़दी। मेरे वीर जड़ी यारी जो लालच आ जाए, जो नीयत चो फर्क आ जाए, अल्लाह की कसम रहमतां दे दरवाजे बंद हो जांदे ने। ओते कदी वी रब नहीं रहम करदा, जिते नीयतां दे विच खोट होवे, ओ चुगा कदियों खैर नाल वसिया नहीं, जिथे वसदा नित दा छोट होवे, ओ तो बरकतां रब उठा लैंदा, जिथे विच परावान जोट होवे, उस वाद विच ना पानी कुछ हुंदा, गल गल अंदर जिथे चोट होवे। ये जनाब ना
अल्लाह की खातर प्यार करना। अल्लाह अकबर। हुण आओ तुहानू एक मिसाल दे के समझावा, जेड़े अल्लाह की खातर प्यार करते ने आसमान का रब उन्हां नाल प्यार करता है। हज़रत अबू अदरीस होलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते ने मैं ना दमिश्क की जामिया मस्जिद चो गया, वेखदा की हम एक बड़ा सोहना खूबरू नौजवान बैठा, चंद लोग कोल बैठे ने, वो आपस चो दीन के बारे तकरार कर रहे ने, ते जदों किसी मसले चो अड़ जाते ने ना फस जाते ने, फिर इन्दे कोल आके मसला पुछते ने, ते ये दसदा ते जिवें दसदा इंदी राय नूं कबूल कर लैंदे ने। ते मैं पूछिया ये बंदा कौन है जिंदी गल नूं तुसीं कबूल कर लैंदे जे, मैनूं दसण वालिया दसिया ए नबी पाक दा सहाबी हजरत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने कहते ने मैं ना वेख्या हजरत मुआज़ बिन जबल चले गए। अगला दिन होया ना मैं सुबह की नमाज तो बड़ी देर पहले मस्जिद चो आ गया, मैं सोचा टाइम नाल जावांगा ये आवणगे इन्हां नाल मुलाकात करांगा, ते मैं वेखदा कि आम मेरे जान तो पहले ही मुआज़ बिन जबल अपने अल्लाह दे नाल गल्लां पै करदे ने, नमाज पढ़ रहे। कहते ने सुबह की नमाज हो गई, मैं हजरत मुआज़ बिन जबल दे कोल चला गया, ते मुआज़ बिन जबल नूं मैं आख्या हजर जी मैनू तुहाडे नाल अल्लाह की खातर प्यार है, मैनू तुहाडे नाल अल्लाह की खातर मुहब्बत है, मैनू अल्लाह की खातर तुहाडे नाल मुहब्बत है उल्फत है। हजरत मुआज़ कहते ने वाकई, कहते ने जी जी मैनु अल्लाह की खातर तुहाडे नाल प्यार है। हजरत मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बयान करते ने मैं अल्लाह दे पाक पैगंबर को कन्ना दे नाल सुनया, सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सन, नबी पाक फरमांदे ने आसमान दे रब ने ऐलान कर दिते ने, सोने अकां दे ऐलान कीते ने, काल अल्लाहु तआला हदीसे कुदसी वाजबत मुहब्बती लिल मुताहबीन फिया, आप फरमांदे ने अल्लाह पाक ने ऐलान कर छड्डे ने जड़ा बंदे जड़े लोग मेरी खातर एक दूसरे नाल प्यार करते ने मैं अल्लाह उन्हां दे नाल प्यार करना वा, वाजबत मुहब्बती लिल मुताहबीन फिया, मेरी खातर प्यार करने वाले नाल मैं अल्लाह प्यार करना वा, वा मुताजाली सीन फिया, मेरी खातर एक दूसरे दे कोल बहन वाले दे नाल मैं अल्लाह प्यार करदा वा। और अगली गल सुनी नबी पाक फरमांदे ने आसमान दा रब कहंदे अल्लाह दे पाक पैगंबर दे अल्फाज वा मुताजावीरीन, मेरी खातर एक दूसरे नाल मुलाकात करन वाले मेरी खातर एक दूसरे नाल मुलाकात करन वाले ए मुलाकात करन जांदे इंदा मकसद ही और कोई नहीं अल्लाह राजी हो जा, इन्हें दूसरे नू फोन कीता है मकसद कोई नहीं आसमान दा रब राजी हो जा, कुछ इनू दुआवां दे लवां कुछ दुआवां लै लवां। आसमान दा रब कहंदा वाजबत मुहब्बती, ओए मेरी खातर काम करन वालिया तेरे वास्ते मेरी मुहब्बत वाजब हो गई है। और नबी पाक फरमाते ने आ गौर करी मेरे वीर व मुताबादलीन फिया, मोता इमाम मालिक दी रवायत आप फरमाते ने अल्लाह ताला फरमाते ने मेरी खातर एक दूसरे ते खर्च करन वाले हो, मेरी खातर एक दूजे नूं रोटी खिलाण वाले हो, तुहाडे उत्ते मेरियां मुहब्बतां वाजब हो गईयां ने। और जिंदे नाल अल्लाह प्यार करे सत्त आसमानां च ऐलान हो जांदा, सही बुखारी की रवायत ना था जिबरील अल्लाह जिबरील नूं आवाज मारदे जिबरील जी अल्लाह जी भला मेरा ही तेरा अज तो बाद तेरा भी बन गया, या अल्लाह मेरा बन गया, फरिश्ता खड़ा होके ऐलान कर दे फला अल्लाह की मुहब्बत का हकदार है, तुसीं भी उहदे नाल मुहब्बत करना शुरू करते हो।
आप फरमा दे सारे समान ऐलान हो जाते और जमीन वाले मुंह करके ऐलान हो जाते ने। नबी पाक फरमाते ने सुम्मा युज़ाउलुल कुबूर फिल अर्ज, अल्लाह फिर जमीन दे उत्ते अपने इस बंदे नु इज्जत अता फरमा देंदे ने। और इत्थे ही बस नहीं, अल्लाह दी खातर प्यार करने वाले, अल्लाह दी खातर मोहब्बत करने वाले, अल मुताबून फी जिलाली लकुम मनाबिर मिन नूर। आप फरमाते हैं तिरमजी दी रिवायत, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह दी खातर मोहब्बत करने वाले कयामत वाले दिन इन्हां वास्ते नूर दे मिंबर होणगे। नबी पाक दे अल्फाज यग भी तू कुमुल यब यब की तू यग भी तू क्या बात है। दुआ करो अल्लाह की खात रिश्ता रखने की तौफीक अता। ओए लालच नू ना पिया करो, लालच जिहड़ा रिश्ता होवे कदी तोड़ चढ़ सकदा नहीं चढ़ सकदा। और अगली बात नबी पाक फरमांदे ने वारा जुलूम जाकर अल्लाह खालियन फफाजतैनहु। अगला बंदा होए जिहड़ा कल्ला बैठा होया मजलिस दे अंदर नहीं तन्हाई दे विच बैठा होया, कल्ला बंदा बैठे नबी पाक फरमांदे ने बैठिया बैठिया अल्लाह नू याद करन लग पिया है, अल्लाह पाक दे नाल गल्लां करन लग पिया। ओए वीर अल्लाह नू याद करया कर, ओंदा जिक्र करया कर, ओ जिक्र अल्लाह दा बड़ा नराला टूटे दिलां नू जोड़न वाला, तू जिक्र दे मोती रोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल। ओए बड़े बड़े ते फेर पाग आखर नू विच खाक समाग बिस्तर कर गई गोल बंदिया अल्लाह ही अल्लाह बोल। आप फरमांदे ने कल्ला बैठा स्पीकर दे अंदर नहीं, स्पीकर तो कई जनाब बोली उच्ची उच्ची रोंदे ने, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने नहीं 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 कल्ला बैठा वारा जुलून जाकर अल्लाह आलियन फफाजतैनहुम। कल्ला बैठा रब नु याद कीती जांदा, एक जाति अपने गुनाहां वाले मारदा, एक जाति अल्लाह दी रहमत वाले मारदा, इहदियां अक्खां धुआं चू डिगण लग पैंदे ने। उत्तों आवाज आती है मेरी खातर रोन वाले कल क्यामत दा दिन होएगा मैं तेनू अर्श दा ठंडा साया नसीब कर देवांगा। दुआ कर अल्लाह सानू आपके सामने रोन वाला बना, अल्लाह के सामने रोन वाला लोगों के सामने रोंदा, जड़ा रब के सामने रोंदा उन्हें लोगों के सामने रोना नहीं पैंदा, जड़ा रब नू सहारा बनांदा वह कभी बेसहारा नहीं हुंदा, जड़ा रब नाल प्यार पांदा उन्हूं कदी जलील तिरसवा नहीं होना पैंदा। पैलाबादियां मेरे नबी फरमांदे ने जड़ा बंदा अल्लाह नू याद करके रोंदा अल्लाह नू अख दा रोन बड़ा प्यारा लगदा ही, आ तेरी अख दा कतरा कोई दूसरा बंदा अपने कपड़ियां ते डिगना भी पसंद नहीं करदा, अपने कपड़ियां दे उत्ते घिरावना भी पसंद नहीं करदा, अपनी कमीज दे नाल तेरे आंसू साफ करने भी पसंद नहीं करदा। मैं हदीस पाक चो पढ़िया नबी पाक फरमांदे ने लैसा शयून अहब्बु इलल्लाह मिन असरैन व कतरतैन। आप फरमांदे ने अल्लाह नूं बंदे दी अख दा कतरा सारे जहान तो ज्यादा प्यारा लगदा है, जे गैर दी खातर रखदा आंसू बहावेगा कौड़ी मुल नहीं पैगा, जे अल्लाह दी खातर अख दा सुबहाल है जड़ी जहन्नम नू सत्ता समुद्रां दा पानी नहीं बजा सकता, तेरी अख दा एक कतरा ही बजा के रख दिंदा है। ते फिर वे कपड़े धोने वन चार चार बाल्टियां पानी दियां लगदियां ने, इन्ना पानी जाया हुंदा है, पर जेड़ा बंदा अल्लाह दे सामने अपनी अख दा कतरा गिरा लैंदा अल्लाह कहंदे ने मेरे बंदे सुन ले मेरे सामने रोन वाले सुन ले अख दे विचों आंसू बहाण वाले सुन ले क
कपड़े धोन ते पानी लगता है पर जनाब तेरी 70 साल की जिंदगी दे गुना ने अगर तू ना पवे समुंदरां दे पानी खत्म हो जान पर तेरे गुना खत्म ना होन पर तेरी अख दे एक कतरे दी वजह करके मैं 70 साल की जिंदगी दे गुनावां नूं तो के ते पाक साफ कर दिता है। अख दा डेलम अगर सिर्फ ए अंदरों गिला हो जाए उत्तों आवाज आंदी है मेरे बंदे सुन लग दा डेला गिला कीता ही जा मैं जिंदगी दे गुना माफ कर दिते ने। ते मेरे नबी भी रोंदे हदीस पाक चो गल दूर ना निकल जाए आप फरमांदे ने नबी पाके ना रोंदे का आदी दिल मिर्चाली मिनल बुकाम आप दे सीने दे विचों इंज आवाज़ां आंदियां जिवें हांडी ते उबलंदियां आवाज़ां आ रहियां ने। और नबी पाक क्या करदे सन जो मैनू पता तुहानू पता लग जाए ना लज़हक तुम कलीला वाला बकई तुम कसीरा तुहाडे हासे बंद हो जान तुसी रोना शुरू कर दो रोया करो अल्लाह दे सामने। और अगला बंदा नबी पाक फरमांदे ने रजुलुन दातु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल जिन्हों किसी औरत ने बुराई दी दावत दी फकाला इन्नी अखाफुल्लाह बीबी मैं अल्लाह तो डर लगता है। आप फरमांदे ने क़यामत मर्च दे साए तले होएगा इमाम इब्ने शरीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े सोहने जवान कपड़े का कारोबार करते गली गली जाके बस्ती बस्ती कपड़ा बेचते एक बस्ती के अंदर गए उत एक बेवा औरत रहती है वो जनाब बड़ी अयाश परस्त दौलतां दियां फरमानियां दौलतां बड़ियां ने वड्डी सारी हवेली इमाम साहब कपड़ा बेचन ली गए इंदियां हादमां ने दसिया एक सोहना बंदा कपड़ा बेचता पिया इन्हें इमाम साहब नूं अंदर बुला लिता सानू आके कपड़ा वगाओ इमाम साहब कपड़ा बेचन वकान लग पे ए बीबी दी नीयत इमाम साहब ते खराब हो गई अल्लाह को अकबर अल्लाह इन्हें अपनी मुलाजमा नूं बाहर भेज दिता कहंदी ए इब्ने शरीन मेरे नाल बुराई कर ले इमाम साहब इन्हूं समझाण लग पे बीबी अल्लाह को डर जा अल्लाह दा खौफ अपने दिल चो रख ले इमाम साहब नूं इस औरत ने बड़ा ही तंग किया कहंदी इब्ने शरीन अगर तू मेरे नाल जेड़ा काम मैं कहनी ना कीता ना मैं रोला पा देंगी तेनू जलील कर देंगी। इमाम साहब कहंदे ने बीबी मैनू ये दस तेरी लैटरीन कित्थे आ गुसलखाना कित्थे आ मैं कदाए हाजत करनी है इन्हें इमाम साहब नूं गुसलखाने भेज दिता ते पहले वेलिया चो गुसलखाने के नाल ही गर्की होया करती सी इमाम साहब ने अपने आप नूं इस गर्की दे विच घेरा लिता गलादत अपने जिसम दे उत्ते मल लई एवें बाहर आ गए ते बीबी ने वेख्या ये तो सारा गंद नाल भरिया पिया है इन्हें इमाम साहब की जान छड़ दी इमाम साहब ने गंदगी मल के ते अपने ईमान नूं बचा लिता। इन्हां लोगों ने अरश दा छाया होएगा जिवें यूसुफ नूं कहंदी हई तलब मेरे वले वे कहंदा कौला मादल्लाह बीबी तेरे वले वेखां के अल्लाह वले वेखां अल्लाह को अकबर अल्लाह अगला केड़ा बंदा गल मुकदी मुकावां अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमांदे ने वड़ा जुड़ुन ता सद्दा का भी सदका तिन फअफाकम हत्ता ला तालम यमी हत्ता ला तालम शिमालुहुम मा तुनफिकु यमीनुहुम आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा सदका करन लगा लुका के सदका करता है इना छुपा छुपा के सदका करता है सज्जे हाथ नाल सदका कीता ते खब्बे नूं पता ही कोई नहीं लगा हर बंदा जानदा मेरी वाह वाह हो गई लोकी मेरी वाह वाह करन तारीफा करन मेरे कसीदे पढ़न हर खासो आम जबान ते मेरा तदकरा होवे पर इस्लाम कहंदा तू अल्लाह दी खातर काम करदा जा मैं जन्नत च तेरे लई घर बनांदा जावांगा इस्लाम लोगों को वाह वाह का मतलूब है गा वो लोगों को वाह वाह का तालब है गा नहीं
आप फरमाते ने जिन्ने लुका के सदका कीता कयामत वाले दिन अल्लाह अर्श दा ठंडा साया नसीब फरमाते। पर साडा तां कोई भी नेकी दा काम होवे ते पहले फेसबुक ते आ जांदा है, पहले मिसाल जी नेकी कर दरिया में डाल। कित्थे डाल? दरिया चो। कोई जिहड़ी शायद दरिया चो पै जा वापस लभदी, ये सी कि नेकी करके भुल जा। पर साडा ट्रेंड ही अजीब हो गया है, असी हर नेकी दा काम लोगों नूं विखाण दी कर खातर करने हां। दुआ करो लाभ की खातर करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाईओ अपनी खातर करिया करो, जिहड़ा सदका लुका के कीता जांदा है अल्लाह इहदा सवाब दूसरे सदके नाल कई गुना ज्यादा अता फरमा दिंदा। बल्कि बाद उकार दे सदका दूसरों की रहनुमाई का भी सबब बनता है। जिवें हदीस पाक चो है ना, गल मुकदी मुकावम, एक बंदा कहिंदा मैं सदका करना है, रात नूं निकलिया सदका एक कंजरी दे हाथों दे के आ गया। लोगों नूं सवेरे पता लगा राती कोई सदका कंजरी नूं दे के चला गया। लोगों की बेइज्जती की, लोगों जनाब मजाक उड़ाया कि राती वेखो एक बंदा कंजरी नूं सदका दे गया, हुण कंजरियां नूं भी सदके मिलन लग पैणे। दूसरे दिन रात नूं गया चोर नूं सदका दे आया, तीसरे दिन गया सखी नूं दे आया। हर रोज इंदा मजाक उड़ाया जा रहा है। यह रो पिया रब दे सामने ढा मार के कहिंदा है, या अल्लाह मैं एडा ही बुरा, मेरा सदका तेनू कबूल ही नहीं। उसे रात सुत्ता। सही बुखारी चो लिखे अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार कहते हैं ख्वाब दे विच अल्लाह ने एक फरिश्ते नूं कहा, जाके मेरे बंदे नूं दस दे जेड़े चोर ने तेरा सदका खाधा है, असी उन्हें हदायत दे दी है, उन्हें चोरियां करनिया बंद कर दीतियां। जेड़े सखी ने तेरा सदका खाधा है वह शूम सी, सदका खान की वजह करके असी उन्हें दिल नूं खुला फरमा दिता है। और नबी पाक फरमाते ने अल्लाह ने कहा जी कंजरी ने ना तेरा सदका खाधा है, वह गुणा तो बाद आ गई है तो साड़ी बंदी बन गई है। आज ये सदका देन का फायदा, सदका दया करो, अल्लाह के राह चो खर्च किया करो। जिथे लोड़ होवे जाहरी उते जाहरी तौर पर दया करो, जिथे लोड़ होवे छुपा के देन की ज्यादा कोशिश ही करया करो कि किसी नूं पता ना लगे, किसी की नज़र चो ना आइए, क्योंकि अल्लाह की नज़र बहुत बरीक बई ने। इन्ना हुआ अलीम बिज़ाति सुदूर, वो दिलों के अंदर आने वाले ख्यालों तो भी वाकफ है, उन्होंने डाटा पता है। इस करके ना आपदे आप जिन्ना मुख्तात करोगे उन्ना ही फायदे चो रह गए। अल्लाह पाक सानू भी इन्हों लोगों के अंदर शामिल फरमा लै। बंदे तो और भी ने पर जुमे का टाइम खत्म हो गया। वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।